जबलपुर में सोमवार की दोपहर एक निजी अस्पताल में आग लग गई थी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 स्टाफ भी हैं, जिसमें 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने बताया कि 3 मंजिला अस्पताल के एंट्रेंस पर जनरेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हादसे के वक्त अस्पताल में 35 लोग मौजूद थे, इसलिए आशंका जताई जा रही थी कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि जबलपुर में निजी हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड में अस्पताल के संचालकों पर केस रजिस्टर्ड किया गया है और अस्पताल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनओसी की इनकी तारीख एक्सपायर हो गई थी, उन्होंने निगम से प्राप्त नहीं की थी। फायर सेफ्टी के संबंध में कई कमियां भी प्रथम दृष्टया पाई गई हैं, और क्या क्या कमियां थी, क्यों घटना हुई, इसके लिए सरकार ने डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई है। इसमें जॉइंट डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ और इंजीनियरों का एक दल रखा गया है।